अब तक कई एक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई, लेकिन एक स्टार ऐसे भी थे जिन्होंने ना सिर्फ पहचान बनाई बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। वो थे जॉनी वॉकर। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले जॉनी वॉकर ने 29 जुलाई 2003 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने इंडस्ट्री में कई नए ट्रेंड शुरू किए, जिनमें से एक पहली बार मैनेजर रखना भी था। जॉनी अपनी पतली मूंछों, अनोखी कर्कश आवाज और क्लासिक शराबी हरकतों के लिए जाने जाते थे। जॉनी वॉकर ऐसे पहले एक्टर थे जिनके नाम पर फिल्में बनाई गई। उनके नाम पर 1957 की फिल्म जॉनी वॉकर और 1992 की मलयालम फिल्म जॉनी वॉकर बनी है। नाम पर फिल्में बनाने के ट्रेंड के अलावा जॉनी वॉकर ने संडे को काम ना करने का ट्रेंड भी बनाया था। इसके साथ ही सिनेमा में आम बोलचाल की भाषा लाने वाले भी वो पहले ही एक्टर थे। जॉनी ने स्ट्रगल के दिनों में सब्जियां भी बेची और बस कंडक्टर के तौर पर भी काम किया। उनके शुरू किए गए चार ट्रेंड क्या थे? यही थे कि पहली बार उनके नाम पर फिल्म बनी थी और वो पहले एक्टर थे जिन्होंने सेक्रेटरी या मैनेजर रखा। संडे को काम ना करने का ट्रेंड भी उन्होंने शुरू किया और फिल्मों में आम बोलचाल की भाषा भी वही लेकर आए। जॉनी वॉकर का असली नाम क्या है वो भी जान लीजिए। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। बदरुद्दीन का नाम जॉनी वॉकर पढ़ने के पीछे का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल बदरुद्दीन ने ज्यादातर फिल्मों में शराबी का किरदार निभाया, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने ताउम्र कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। यही वजह है कि गुरुदत्त ने उन्हें विस्की के एक लोकप्रिय ब्रांड का नाम जॉनी वॉकर ही दे दिया। इसके बाद से तो बदरुद्दीन बस जॉनी वॉकर के नाम से ही पहचाने जाने लगे। फिल्म टैक्सी ड्राइवर में पहली बार क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम जॉनी वॉकर आया था। वो पर्दे पर अक्सर शराबी का रोल करते नजर आते थे, लेकिन मजेदार बात यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। वो शराबी की इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते थे कि उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये एक्टिंग है या फिर रियल। एक बार उनकी एक्टिंग देखकर गुरुदत्त गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उन्हें लगा कि जॉनी ने असल में शराब पी है। वो जॉनी को सेट से बाहर करने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने बताया कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद गुरुदत्त को जॉनी की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने जॉनी को फिल्म के लिए साइन कर लिया था। शराबी की एक्टिंग के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन भी थे। जॉनी लीवर से लेकर राजपाल यादव और संजय मिश्रा जो कमाल के कॉमेडियन हैं, इन सबसे पहले बेस्ट कॉमेडियन में जॉनी वॉकर का नाम चलता था। उन्होंने अपनी जिंदगी में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस 55, CID और कागज के फूल जैसी फिल्मों में काम करके दर्शकों का दिल जीता। उन्हें बाजी फिल्म से पहचान मिली थी जिसे गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट किया था। कॉमेडी और शराबी की भूमिका से इत्र जॉनी 1971 के फिल्म आनंद में ईसा भाई सूरतवाला की भूमिका में नजर आए थे और उन्होंने इस किरदार में भी कमाल कर दिया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।